राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी ज़रूर बताइएगा। आज मैं सौंठ हल्दी के साथ में सोठौरा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। अभी चल रही हूं उसकी तैयारी करने, आइए देख लेते हैं। ये काट रहे हैं अभी ड्राई फ्रूट, बनाने चल रहे हैं हम लोग सोठौरा। इस तरह से ये बादाम है, काजू है और ये किशमिश है, ये नारियल है, नारियल का भी ऐसे बारीक बारीक तरीके से काटेंगे, काट के फिर मिलती हूँ। ड्राई फ्रूट कट गया है, थोड़ा सा बाकी है, आप लोग दिखाती हूँ। आज हमने जलाया है चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा, देखो दिखाऊँ सबको। ये देखिए यहाँ पे है इसकी चिमनी है, इसकी वजह से यहाँ पता नहीं चलता, ये इसकी चिमनी है जिसकी वजह से धुआं ऐसे ही अंदर अंदर निकल जाता है ऊपर। ये चूल्हा जल गया है, अब इस पे हम लोग बनाने चल रहे हैं सोठौरा। सोठौरा के लिए सबसे पहले अलसी भुन रहे हैं अभी। अलसी ये देखिए कढ़ाई में डाल दिया है, इसको अभी भुनेंगे सबसे पहले। ये देखिए रख दिया कढ़ाई को, उसमें अलसी डाल दिया। अंधेरा दिख रहा है, फ्लैश जलाऊं। ये देखिए महक रहा है, बढ़िया महक रहा है। ड्राई फ्रूट हो गया, अलसी हो गई, अब इसको पीसना है, अब इसमें आटा भूनेंगे। अब हम लोग डाल रहे हैं घी, हुआ था ना, कलर बदल रहा है लेकिन अभी और भूनना है इसको। चावल कह रही हूँ आटा भुन गया है, अब इसमें भुनेंगे कढ़ाई में सूजी भुनेंगे, उसके बाद हल्दी भुनेंगे। ये चार, ये 2 किलो आटा है, 1 किलो सूजी अभी इसमें भुनेंगे। हम लोग भुन रहे हैं सूजी, 1 किलो सूजी है। आटा एकदम बढ़िया भुन गया है, कलर बदल गया है। चिरौंजी, अरे काजू, बादाम, किशमिश और नारियल ये भून गया, इसको हम पीसना है। अलसी को देखिए कैसा पीस रहे हैं, एकदम महीन है ना, जिससे बांधने में अच्छे से सब में मिल जाए, पूरे आटे में मिला सकें अच्छे से। इतना महीन इसको पीस लें और इसको जो अगर गाढ़ बन गई हो तो उसको खोल दें। देखिए कितना बढ़िया हो गया। अब आइए कढ़ाई में डालते हैं घी और जो चिरौंजी है उसको हल्का सा भून लेते हैं, तल लेते हैं चिरौंजी, क्योंकि तलना ज़रूरी है। और सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको नहीं तलेंगे, वो ऐसे ही एज इट इज़ डालेंगे। ये सूजी बढ़िया भुन गई है देखिए, और चिरौंजी हो गई, इसको निकाल लेते हैं। उसी अलसी में जो हमने पीसी है उसी में निकाल ले रहे हैं। अब इसी में सरसों का तेल डाल रहे हैं, सरसों का तेल काफ़ी अच्छा डलेगा, करीब 1 कप पूरा तेल डाला है और इसमें 6 से 7 चम्मच करीब
ये हल्दी है, 7 से 8 या 9 चम्मच भी डाल सकते हैं। हल्दी इतना भी ज़्यादा न डालें कि थोड़ा कड़वा हो जाए। 7 से 8 चम्मच इसमें डाल सकते हैं, मैंने 7 डाला है। 2 किलो आटा है, 1 किलो सूजी है और 150 ग्राम करीब ये हल्दी है। मस्टर्ड ऑयल में हम इसको अभी भून रहे हैं लाल होने तक, और सारी चीज़ें मिला के 1/2 kg करीब सब होंगी। तो देखिए हल्दी को खूब अच्छे से भून लिया, आटा को अब हम परात में डाल दे रहे हैं। बड़ा बर्तन ले जिससे मिलाना आसान हो, थार ले ले तो और बढ़िया से मिल जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। परात में अब ये अलसी और चिरौजी भी डाल दिया, गरम ही है अभी, इसको मिला देंगे। उसके बाद में हल्दी को जो हम भुने हैं उसको तल के इसमें सीधा मिला देंगे। तुरंत के तुरंत आटे के साथ में इसको मिला दें जिससे कि और ज़्यादा काला ना हो जाए। और अगर जल्दी उतार लिए हैं हल्का सा तो छोड़ देंगे तो भी ये इतना देखिए उबल रहा है ना, ये पक जाता है। और आटा थोड़ा लेके कढ़ाई को बढ़िया से उसकी हल्दी पोंछ लें पूरी अच्छे से, इसको क्लीन कर लें कढ़ाई को। अब इसमें क्योंकि इसी कढ़ाई में आगे हम सीरा या चाशनी या पाक जो भी बोल लीजिए आप उसको बनाएंगे। उस आटे को डाल के इसको भी अच्छे से मिला दें। दूसरी तरफ हम लोग चाशनी के लिए पानी डाल देते हैं, फिर इसको भी मिला लेते हैं आटे को। उसके बाद ये 2 लोटा यानी कि 4 गिलास करीब पानी है, ये 4 गिलास पानी में 2 लोटा पानी, करीब 3 किलो के करीब, 3 से हल्का सा ऊपर ही है चीनी हम डालेंगे इसमें। और इसको मिला देते हैं, इस आटे को हल्दी को खूब अच्छे से मिला दें तुरंत, नहीं तो और ज़्यादा पक जाएगा, एकदम काला पड़ जाएगा, इसलिए फटाफट इसको हम मिला ले रहे हैं। ये इस तरह से पानी को उल्टी साइड में खूब ऐसे दबा दबा के रगड़ेंगे तो खूब अच्छे से मिल जाएगा। अब हम डाल रहे हैं सौंठ। ये सौंठ करीब 350 ग्राम के करीब है, कुछ घर की पिसी हुई सौंठ थी तो मैंने 2 पैकेट भी डाला, तो करीब 350 ग्राम ये सौंठ है। सौंठ थोड़ा तेज डालते हैं, थोड़ा उसका टेस्ट आए सौंठ का तेज। सर्दियों में आप लोग बनाइए, सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अब इसमें चीनी डाल रहे हैं, इसमें 4 किलो करीब चीनी थी, हमने 3 के ऊपर ही चीनी डाला है। आटे में अब ड्राई फ्रूट भी मिला दे रहे हैं, देखिए हल्दी को खूब अच्छे से हमने मिला दिया, अब ड्राई फ्रूट भी मिला दे रहे हैं। इस तरह से मसल मसल के हम पूरा मिला रहे हैं, इसलिए इसमें अगर कोई एक गांठ भी रह गई हो तो ये ड्राई फ्रूट के, क्योंकि दरबरा होता है तो ड्राई फ्रूट की वजह से ये फूट जाएगा, और अच्छे से मिलाएंगे तो सारे इसके जो गांठें होंगी सब निकल जाएंगी। हालांकि है नहीं, छोटी मोटी कोई रह गई हो तो, इसलिए हम खूब अच्छे से इसको रगड़ के इस तरीके से पूरा मिला रहे हैं। खूब बढ़िया से आप मिला लीजिए, देखिए आप इसको इसी तरीके से पूरा का पूरा हमने ड्राई फ्रूट भी मिल गया, और इसमें अगर कोई गांठ रह गई होगी तो वो भी फूट के अच्छे से मिल गई होगी। तो अब इसको हम बराबर फैला लेते हैं, इसमें धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसको हम परात में डालेंगे, और परात में डाल के चाशनी उबल जाए, 1 तार की चाशनी हम देखना चाहते हैं, तो फिर इसको बांधेंगे। अब आपको दिखाती हूँ एक तार की चाशनी जैसे ही होती है। लो भाई ये इस ये परात ना, थार कंफ्यूजन है मुझे, इसको परात बोलते हैं जिनका बारी यानी ये बॉर्डर ऊंचा और छोटा होता है, हिंदी फ्लैट होती है,
इसकी ये नीचे फिर एक परत और ऊंचा, तब इसके बाद बारी होती है। ये परात है, परात की पेंदी जो है, देखिए यहाँ पे हाथ जा रहा है या किनारे पे उठा हुआ होता है, बीच में गहरा होता है और ये ऊंचा होता है और ये फ्लैट रहता है, थार, इसको थार बोलते हैं। और बड़ा साइज सबसे, इसकी पेंदी पूरी फ्लैट होती है। कोई चीज़ जमाने के लिए, जैसे गुड़ का पितिवरा वगैरह जमाने के लिए बड़ा बढ़िया होता है ये। तो अब इसको जो है थार से थोड़ा थोड़ा करके लेके परात में डालेंगे और उसके बाद उसमें चाशनी डालेंगे। चाशनी डाल डाल के हम इसको बांधते जाएंगे। तो आइए हम चाशनी देख लेते हैं, तार बना कि नहीं बना। एक तार की चाशनी आप देखिए, वन स्ट्रिंग बन रही है, देखिए बढ़िया से एक साफ साफ दिख रहा है। तो अब ये हो गया है चाशनी, हम उतार लेते हैं आँच से, नहीं तो और ज़्यादा वो गाढ़ी हो जाएगी, दो तार की बन जाएगी, तो इसलिए उतार लेते हैं। बगल थोड़ा ठंडा होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमने डाल लिया सठौरा का मसाला और उसमें डाल रहे हैं चाशनी। थोड़ा थोड़ा करके पहले बांध के देख लेंगे अच्छे से बंध रहा है, फिर आगे थोड़ा और ज़्यादा मसाला लेके बांधेंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे सूखता जाता है वो बंधता नहीं है, ये तुरंत तुरंत बांधना होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालिए और बांधते जाइए। क्योंकि अभी देखिएगा लास्ट में मैं दिखाती हूँ, जब लास्ट में थोड़ा सा बच जाता है तो सूख जाता है, तो सूख जाता है तो ज़्यादा पीला दिखने लगता है, तो वो अपने आप समझ में आएगा, वो रूखा रूखा लगने लग जाएगा, फिर बनता नहीं। तो इसलिए उसमें फिर से हम चाशनी डाल के आपको बांध के दिखाते हैं। अभी देखिए, अभी हम बांध रहे हैं ना, देखिए इस तरीके से दबा दबा के आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जिस भी साइज़ में आप चाहते हैं आप बांधिए। मैं इतना बड़ा बांध रही हूँ, आपको लग रहा होगा भले बड़ा, लेकिन वास्तव में एक से मन नहीं भरने वाला आपका। आप खाओगे तो फिर दोबारा ज़रूर एक लेके खाओगे। ये देखिए लास्ट में नहीं बंध रहा है ना, थोड़ा सा बच गया, अब रूखा रूखा हो गया और ज़्यादा पीला दिख रहा है। शुरू शुरू जब बांधते हैं गीला होता है जब, तो देखिए हल्का सा ब्राउन दिखेगा, उसके बाद पीला होता चला जाएगा, ऐसा होता है सूखता जाता है। तो देखिए जो लास्ट में बचा उसमें ज़रा सा और सीरा मिला के, अब इसको अभी गर्म है तो इसलिए पानी से मिला रहे हैं, हल्का सा नॉर्मल हो जाए तो फिर हाथ से इसको मिला के फटाफट उसको मसल के अच्छे से मिला के फिर इसको बांध लेंगे। ये देखिए, अब हमने दोबारा ले लिया है मसाला, उसमें चाशनी डाल ली है, अब इसको हम मिला रहे हैं सेम मेथड से, उसी तरह से अच्छे से मिलाएंगे और मिला के इसको फिर से जब नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा हाथ से छूने लायक हो जाएगा तो हाथ से इसको मसलेंगे और मसल मसल के इसको फिर लड्डू बांधेंगे। ये देखिए, देखिए इस तरीके से करके गोल गोल बांध लीजिए सठौरा, रख दीजिए। तो भाई खाना पैक, बेड़वी पैक। तो मैंने सठौरा बना लिया, खाना बना लिया, अब पैक करके अब चल रही हूँ सुजानगंज, आप लोगों से मिलती हूँ फिर, अब खाएंगे फिर वहीं मिलेंगे। आ जा आ जा। ठीक है, हल्का सा जाला है जहाँ वहाँ। तो पहुँच गए भाई हम लोग, बस सामान वगैरह अभी बस रखे हैं और डॉक्टर साहब पेशेंट देख रहे हैं, वो आ जाए सब खा लेंगे। ये ले आके रख दिया है और लड्डू भी आया है, अभी इधर ही रखा हुआ है। हाँ हाँ, मतलब बताओ क्या पर्यटक पर्यटक है, पर्यटक
पर्यटक है, पर्यटक हमारी मैम तो यही बोलती है, मैं बोल रहा हूं। हाँ। रुक जाओ, तत्र गच्छत्, यत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ। यहाँ पे लाइट नहीं थी पूरे दिन, एक फेस खराब था, आपको पता नहीं चला फेस खराब है? बताया नहीं आपको? उधर तरफ लाइट नहीं आ रही थी, मैं गई हूँ तभी तो मुझे लगा कि यहाँ पे इधर कुछ फ्लोर जैसा चल रहा है, देखना, इन लोगों को नहीं पता चला? बताओ, पूरा दिन लाइट नहीं थी, ये लोग ठंड में ठिठुरते रहे, ब्लोअर वगैरह नहीं चल सका। तो चलिए अब सब लोग अब खाना खा लेते हैं, लोग दे देती हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।